बरेली में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम लगातार दूसरी बार मेयर सीट पर कब्जा जमाने वाले पहले मेयर बन गए हैं। शनिवार को ही मतगणना में डॉक्टर गौतम ने सपा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर को रिकॉर्ड 56,328 मतों से हराकर मेयर मुकाबला अपने नाम कर लिया। 2017 के चुनाव में आमने सामने की लड़ाई इन्हीं दो चेहरों के बीच हुई थी, मगर हार जीत का आंकड़ा 12,000 के आसपास रहा था। मगर इस बार कहानी बिल्कुल बदल गई। डॉक्टर उमेश गौतम को 1,67,271 मत हासिल हुए, जबकि उनके मुकाबले डॉक्टर आईएस तोमर 1,10,943 वोट ही प्राप्त कर सके और दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा को नगर निगम के सदन में भी प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। इस बार भगवा कैंप के 51 पार्षद जीतकर सदन में पहुंचे हैं, जबकि सपा के 13 पार्षदों ने बाजी मारी है। 3 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, वहीं एक एक सीट पर ओबीसी की पार्टी AIMIM और जैन पार्टी का दल RLD के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बसपा का एक भी पार्षद जीतने में सफल नहीं हो सका। बरेली नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम ने निर्दलीय उम्मीदवार सपा समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर को करारी शिकस्त दी है। सपा समर्थित डॉक्टर तोमर पर बढ़त बनाए रहे, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते रहे उनकी बढ़त का आंकड़ा भी आगे बढ़ता रहा। भाजपा की आंधी के आगे सभी प्रत्याशी चारों खाने चित नजर आए। मुकाबला शुरू से ही भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार सपा समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर के बीच माना जा रहा था, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हालांकि हार जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा सामने आया है। बरेली नगर निगम की मेयर सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम अपनी सीट न सिर्फ बचाने में सफल रहे, बल्कि रिकॉर्ड 56,000 वोटों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बरेली नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम ने निर्दलीय उम्मीदवार सपा समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर को करारी शिकस्त दी है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गौतम पहले राउंड से सपा समर्थित डॉक्टर तोमर पर बढ़त बनाए रहे, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते रहे उनकी बढ़त का आंकड़ा भी आगे बढ़ता रहा। भाजपा की आंधी के आगे सभी प्रत्याशी चारों खाने चित नजर आए। मुकाबला शुरू से ही भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार सपा समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर के बीच माना जा रहा था, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हालांकि हार जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा सामने आया है। बरेली नगर निगम की मेयर सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम अपनी सीट न सिर्फ बचाने में सफल रहे, बल्कि रिकॉर्ड 56,000 वोटों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बरेली मेयर के दंगल में कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबले से तो भले बहुत दूर रही हो, मगर उसके लिए संतोष की बात ये कही जा सकती है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार उसके वोटों में इजाफा हुआ है। पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर बरेली से मेयर चुनाव लड़े अजय शुक्ला को करीब 21,000 वोट मिले थे, तो इस बार कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर KV त्रिपाठी ने 26,975 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस के 3 पार्षद भी जीतकर नगर निगम के सदन में पहुंचे हैं। कांग्रेस के हाथ की ताकत सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी है, जहां उसके लड़ाकों ने सपा का जमकर खेल खराब किया। बरेली नगर निगम चुनाव में बसपा की हालत न खुशी न गम वाली दिखाई दे रही है। बसपा उम्मीदवार यूसुफ खान को अब की बार 16,862 वोट मिले हैं, जो पिछली बार के वोटों से थोड़ा कम है। 2017 के चुनाव में भी बसपा के प्रत्याशी यूसुफ खान ही थे, जिनको उस वक्त 19,000 के करीब वोट मिले थे। बसपा के हाथी को इस बार पहले के मुकाबले कैडर वोट मिलने में नुकसान हुआ है, मगर कई मुस्लिम बहुल इलाके में पार्टी को वोटरों का साथ मिला है। हालांकि इस बार भी बसपा को कांग्रेस से पीछे खड़ा होना पड़ा, जो उसके लिए चिंता का कारण हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बरेली नगर निगम चुनाव में अब की बार अपनी उपस्थिति सही से दर्ज कराई है। पार्षद मुकाबले में उसका खाता खुल गया है। चक महमूद वार्ड से AIMIM की फरीकन बेगम पार्षद चुनाव जीतकर सदन में पहुंच गई हैं। पार्टी ने 11 वार्ड में प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें उसके कई प्रत्याशी अच्छे वोट पाकर हारे हैं। इसके अलावा मेयर मुकाबले में ओवैसी के उम्मीदवार ने 10,355 वोट पाकर चौथा स्थान हासिल किया है। बरेली के नगर निगम चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM ने टाउन एरिया में भी बाजी मारी है। थिरिया निजावत खान टाउन एरिया में ओवैसी के उम्मीदवार इमरान अली खान ने चेयरमैन मुकाबले में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी शमसुल निशा को 127 मतों से पराजित कर धमाल मचा दिया। AIMIM की बरेली में यह पहली बड़ी जीत है। थिरिया में चेयरमैन चुनाव जीतने के अलावा पार्टी के एक पार्षद की बरेली नगर निगम में भी जीत हुई है। चुनाव परिणाम
परिणाम देखकर ओवैसी की बरेली टीम खासी उत्साहित नजर आ रही है। बरेली से गुजरने वाली 20 ट्रेनें अगले दो दिन तक बंद रहेंगी। इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बुधवार को रेल यातायात बरेली से सामान्य हो सकेगा। शाहजहांपुर के बंसरा स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन के अलावा इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू होने के कारण बरेली से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। सोमवार और मंगलवार को भी 8 ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। इस दौरान 3 ट्रेनों को 4 घंटे तक देरी से और 6 ट्रेनों को रूट बदलकर चलाया जाएगा। माफिया अशरफ के करीबी सपा नेता लल्ला गद्दी के गुर्गे फुरकान का एक और फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह तमंचे पर डिस्को गाने पर फायरिंग करता दिख रहा है। उसके साथ जेल में अशरफ को चिकन बिरयानी पहुंचाने वाला एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक भी दिखाई दे रहा है। अशरफ की साजिश खुलने से पहले माफिया गैंग ने बरेली में जमकर मौज काटी थी। अति गैंग के सदस्य दहशत फैलाने के लिए साथियों के साथ अक्सर हथियारों का प्रदर्शन करते थे। फिर एक बार फिर किसी पार्टी में तमंचा लहराते हुए सपा नेता लल्ला गद्दी के करीबी फुरकान का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल होने से पुलिस जांच में जुट गई है। यहां बता दें कि लल्ला गद्दी पहले से जेल में है, वहीं फुरकान को भी पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बरेली की अशोका फम फैक्ट्री में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि सीबीगंज के इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ गोदाम में आग धधक उठी। ऊंची ऊंची लपटें और आग का धुआं आसमान में छा गया। आसपास के स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ गोदाम के आसपास कई अन्य फैक्ट्रियां हैं, जिसे लेकर उद्यमियों में हड़कंप मचा रहा। कई फैक्ट्री मालिक आग की सूचना पर तुरंत वहां पहुंच गए और पुलिस के साथ आग बुझाने में जुटे रहे। आग कैसे लगी इसे लेकर फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुटी हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।